हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं एनआरआईज के बारे में। एनआरआईज की डेफिनेशन क्या होती है और कंडीशंस क्या होती है एनआरआई के लिए, क्योंकि इस टॉपिक में अभी भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कुछ लोगों को कि एनआरआई की कंडीशंस क्या होती है। और अगर मैं आपसे कुछ बात करूं कि अगर आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से एक बार देख लिया है तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनआरआई के सारी कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हु इज़ एनआरआई। देखिए, एनआरआई इज लीगली डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड फेमा एक्ट 1999। और उसमें भी डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया गया है एनआरआई को, इवन जबकि जो आईटी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो तो रेसिडेंट इंडियन को डिफाइन करता है। उसने बोला कि मेरा सेक्शन 6 जो है वो ये बताता है कि अगर आप ये कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो आप रेसिडेंट इंडियंस हो जाएंगे, अगर आप ये कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाएंगे। यानी कि एनआरआई को वहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, वहाँ पर जो डिफाइन किया गया है वो रेसिडेंट इंडियन को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये क्यों डिफाइन किया गया है कि कौन एनआरआईज है और कौन रेसिडेंट इंडियन है, क्योंकि फेमा एक्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तक तो ठीक है कि वहाँ पर डिफाइन किया गया है कि कौन रेसिडेंट इंडियन है और कौन नॉन रेसिडेंट इंडियन है। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी था उन लोगों को क्योंकि टैक्सेशन का बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। अगर कोई बंदा नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो उस पर टैक्सेशन अलग प्रकार के लगेंगे, और कोई बंदा रेसिडेंट इंडियन है तो उस पर टैक्सेशन अलग प्रकार के लगेंगे। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट जब बना था तो उनको अपने आप में डिसाइड करना ज़रूरी था वहाँ पर कि कौन आरआई है और कौन एनआरआईज है। तो हम लोग कैसे पता करें कि कौन नॉन रेसिडेंट इंडियन है और कौन रेसिडेंट इंडियन है? तो यहाँ पर पता करने का एक तरीका ये है आईटी एक्ट के हिसाब से, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, कि कितने दिन कोई आदमी इंडिया के अंदर रहा है उस पर यहाँ पर डिसाइड होगा। आईटी एक्ट ऐसा बोलता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन कोई आदमी इंडिया के अंदर रहा है उससे हम लोग पता करेंगे कि वो रेसिडेंट इंडियन है या नॉन रेसिडेंट इंडियन है। तो एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में। अब वो कंडीशन क्या है रेसिडेंट इंडियन की? जो डेफिनेशन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो रेसिडेंट इंडियन की है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? नॉन रेसिडेंट इंडियन बन जाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो चलिए हम लोग उस कंडीशंस को एक बार समझ लेते हैं कि वो दो कंडीशन क्या है, और उसके बाद उस कंडीशंस को हम लोग थोड़ा डिटेल के अंदर समझने वाले हैं क्योंकि यहीं पर सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसके अंदर। तो जिस कंडीशंस की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो रेसिडेंट इंडियन की कंडीशन है। अगर आप इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आप रेसिडेंट इंडियन हो जाएंगे, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है उनमें से? तो किसी भी इंडिविजुअल को हम लोग रेसिडेंट इंडियन ट्रीट करेंगे अगर वो अपने प्रीवियस ईयर के अंदर एटलीस्ट 182 डेज इंडिया के अंदर रहता है। तो अगर आप एटलीस्ट 182 डेज इंडिया के अंदर रहते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आप क्या हो जाएंगे? रेसिडेंट इंडियन हो जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हम इसका जो असेसमेंट करते हैं वो कब करते हैं? अगले साल करते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर करते हैं। तो प्रीवियस ईयर को हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप 182 डेज एटलीस्ट इंडिया के अंदर रहते हैं तो आप रेसिडेंट इंडियन हो जाएंगे, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट इंडियन होंगे। यानी कि क्या कंडीशन होगी? अगर आप 182 डेज से कम रहते हैं तो आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाएंगे। अभी हमको समझना पड़ेगा कंडीशन टू और, उसके बाद हम लोग वापस आते हैं इसके ऊपर भी। कंडीशन टू क्या बोलती है? देखिए, या तो आप कंडीशन वन फॉलो करें और कंडीशन टू फॉलो करें, यहाँ पर एंड नहीं लगा हुआ है बीच में। यहाँ या तो अगर आप कंडीशन वन फॉलो करते हैं या फिर कंडीशन टू फॉलो करते हैं, दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तो आप रेसिडेंट इंडियन हो जाएंगे। तो कंडीशन टू क्या बोलती है कि अगर आप एटलीस्ट 365 डेज रहते हैं ड्यूरिंग द फोर प्रीसीडिंग ईयर एंड एटलीस्ट 60 डेज इन दैट ईयर अगर आप रहते हैं तो आप रेसिडेंट इंडियन हो जाएंगे। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं अभी। या तो आप कंडीशन वन को फॉलो कर पा रहे होंगे या फिर कंडीशन टू को फॉलो कर पा रहे होंगे रेसिडेंट इंडियन के लिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग कंडीशन टू को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कंडीशन टू। कंडीशन टू क्या बोल रही थी कि आपको एटलीस्ट 365 डेज बिताना है इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द फोर प्रीसीडिंग ईयर एंड एटलीस्ट 60 डेज बिताना है आपको इन दैट ईयर। दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन टू के अंदर। तो यानी कि आपने जून के मंथ में 2007 में आपने इंडिया लीव किया था, यानी कि उस समय जो फाइनेंशियल ईयर काउंट करेंगे वो होगा 2007-2008, और कब तक? यानी कि 2011-2012। तो अगर आप इन फोर ईयर्स के अंदर आपको 365 डेज इंडिया के अंदर स्टे करना था, अगर आपको रेसिडेंट इंडियन होना था, तो आपने बिताया यहाँ पर 450 डेज। तो आपने एक कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल कर ली कि आपने 365 डेज से ज़्यादा आपने इंडिया के अंदर स्टे किया है फोर प्रीसीडिंग ईयर के अंदर, और आपने 90 डेज स्पेंड किए इन दैट ईयर, यानी कि 2011-12 के अंदर आपने 90 डेज स्पेंड किए। तो चूंकि जो कंडीशन वन है वो क्या बोलती है कि अगर किसी भी ईयर में आपको रेसिडेंट इंडियन होना है तो आपको एटलीस्ट 182 डेज तो इंडिया के अंदर स्टे करना ही करना है,
बट यहाँ पर हम लोग 90 डेज स्टे करने के बावजूद भी हम लोग रेसिडेंट इंडियन की यहाँ पर स्टेटस हमको लग जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रीसीडिंग 4 ईयर थे उसके अंदर हमको जो मिनिमम कंडीशन थी 365 की, उसको हम लोगों ने ओवरकम कर दिया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग कंडीशन 2 के अंदर जिस 365 डेज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि जब आपने इंडिया को छोड़ा था उसके बाद जो आपका आना जाना इंडिया के अंदर चलता रहता है, हम लोग उस 365 डेज़ के स्टे की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को यहाँ पर हम लोगों ने समझा है, बट यहाँ पर दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कंडीशन 2 अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ कंडीशन 1 को हमको अप्लाई करना है। जो और है दोनों के बीच में, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के बीच में जो और लगा रहता है, वो और यहाँ पर काम नहीं करेगा इन दो केसेस में। वो दो केस कौन से हैं कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया को छोड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, तो उसके अंदर कंडीशन 2 काम नहीं करेगी, कंडीशन 1 ही काम कर पाएगी। यानी कि सिर्फ वो कंडीशन 182 डेज वाली कंडीशन ही काम करेगी, वो और वाली कंडीशन यहाँ पर हट जाएगी। और सेकेंड केस कौन सा होगा, कोई इंडियन सिटीजन या फिर PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं और वो किसी विजिट से अगर इंडिया के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर भी कंडीशन 2 जो है वो अप्लाई नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ कंडीशन 1 ही वहाँ पर अप्लाई होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा अभी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले देखा है कि रेसिडेंट इंडियन की कंडीशंस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइंड है, वहाँ पर NRIs की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है। उसके बाद दो कंडीशन है जो रेसिडेंट इंडियन फॉलो करते हैं, तो कंडीशन 1 या फिर कंडीशन 2 को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप रेसिडेंट इंडियन है, कोई भी एक कंडीशन को फॉलो करते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप NRI हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि जो दो केसेस हैं, एक तो केस वो कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया जाते हैं फॉर अनसर्टेन पीरियड, तो वहाँ पर आपकी कंडीशन 2 को ड्रॉप कर देते हैं, और एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप वहाँ पर भी कंडीशन 2 ड्रॉप हो जाती है। और एक और केस हम लोगों ने देखा कहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर PIO जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं और वो किसी विजिट से अगर इंडिया आते हैं, तो वहाँ पर भी वो कंडीशन काम नहीं कर पाएगी। तो इसके बाद भी अगर फ्रेंड्स आपको कोई डाउट रह जाता है इसके अंदर, तो एक बार और इस वीडियो को आप वापस से देख लीजिए, क्योंकि ये वास्तव में टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको मैंने जिस तरीके से इजी करने की कोशिश की, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा इसमें डाउट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि रियली ये टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशंस एक दूसरे को हिट करती है और बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए। अगर आपको कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर हिट कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।